अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू अंजनास किचन। मैं हूं अंजना और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत जल्दी बनती है, हल्की फल्की भूख में सुबह शाम कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो मैं आपको बॉम्बे स्ट्रीट स्टाइल एक भुर्जी की रेसिपी बताने जा रही हूँ, अंडा भुर्जी। और इस एक भुर्जी में कुछ मैंने सीक्रेट मसाले का यूज किया, तो मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर फॉलो कीजिएगा, तो आप ये देखकर बना सकते हैं। ये एक भुर्जी बनाने के बाद आप बार बार इसे ही बनाकर खाएंगे, बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। इसमें जो सीक्रेट मसाले हमने डाले हैं वो बॉम्बे स्ट्रीट वाले जरूर डालते हैं। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ किस तरह से बनती है अंडा भुर्जी। बस एक बार जरूर कहना चाहूंगी कि यदि अभी अभी आप मेरे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन दी हुई है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं किचन में, बताते कैसे बनती है बॉम्बे स्ट्रीट स्टाइल अंडा भुर्जी। तो देखिए ये बॉम्बे स्ट्रीट वाली हमारी बॉम्बे स्ट्रीट स्टाइल एक भुर्जी बनकर रेडी हो गई है। तो आप भी इसे बनाना चाहते हैं तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं उसे फॉलो करके आप बना सकते हैं। और वीडियो में कुछ मैजिक मसाला हमने इसमें यूज किया है, तो उसे देखने के लिए आपको मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना होगा। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए फ्रेंड्स, बनाइए। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से सर्व कीजिए, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो देखिए बॉम्बे स्टाइल बॉम्बे स्ट्रीट स्टाइल एक भुर्जी बनाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून बटर लिया है, एक पैन लिया है, पैन को हमने गैस पर रख दिया है गर्म होने के लिए और पैन हमारी गर्म हो गई, तो 1 टेबलस्पून बटर को डाल देंगे इसमें हम। आप चाहें तो ऑयल में भी इसे बना सकते हैं और थोड़ी सी मैं ऑयल डाल दूंगी। सिर्फ बटर में बनाने से क्या होगी कि बटर बिल्कुल जल जाएगी। 1 टेबलस्पून बटर और 2 टेबलस्पून ऑयल हमने डाल दिया है इसमें। तो देखिए बटर और ऑयल हमारी गर्म हो गई है, इसमें मैं डाल दूंगी एक बड़े साइज के प्याज को हमने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, डाल देंगे। प्याज को हमने थोड़ा सा सॉटे कर लिया है, देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो गई है और कलर इसका चेंज हो गया। 2-3 हरी मिर्च को हमने इस तरह से बारीक चॉप कर ली है और ये 1 इंच अदरक का टुकड़े को हमने बारीक चॉप कर लिया, डाल देंगे और इसे भी हम थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मीडियम टू लो फ्लेम हमें रखनी है गैस की और इस तरह लाइट ब्राउन हो गई है, सारी चीज हल्की सी सौते हो गई है। अब मैं डाल दूंगी इसमें एक टमाटर को हमने इस तरह से बारीक चॉप करके रखा है, इसे डाल देंगे और साथ ही मैं डाल दूंगी 1/3 टीस्पून सॉल्ट, ताकि टमाटर हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। 1 मिनट हम इसे चला लेंगे, हल्की से ये सॉफ्ट हो जाए। अब मैं डाल दूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ, ये आप अपने ऑप्शनल है, बिल्कुल जिस तरह का तीखा आप पसंद करते हैं उस तरह से डालिए, क्योंकि हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाली है। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, भून लेंगे हम इसे सारी चीजों के साथ ही इसे भूनेंगे। और अब मैं डालूंगी इसमें एक मैजिक मसाला जिसे कि बॉम्बे स्ट्रीट फूड वाले जरूर डालते हैं। ये है मैजिक मसाला, पाव भाजी मसाला, बॉम्बे स्ट्रीट फूड वाले इसे जरूर डालते हैं एक भुर्जी में और इससे एक भुर्जी का टेस्ट काफी अच्छा आता है। तो ये 2 टीस्पून मैंने पाव भाजी मसाला डाल दिया। अब सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, थोड़ी सी और टमाटर सॉफ्ट हो जाए और मसाले एकदम मिक्स हो जाए इस तरह से। स्पैचुला को प्रेस कर दीजिए ताकि ये फटाफट मिक्स हो जाए।
गैस के फ्लेम को हमने लो कर दिया है और अंडे को फोड़ लेंगे। 5 अंडे की मैं भुर्जी बना रही हूँ। अंडे को फोड़कर एक बाउल में डाल देते हैं। मसाले को हमने एक बार चला भी लिया है और देखिए 5 अंडे को हमने इसमें एक बाउल में फोड़ लिया है। थोड़ी सी नमक डाल देंगे इसमें और इसे एक इस तरह से बीट कर लेंगे। अंडे को फेंट लिया हमने, अब इसे हम डाल देंगे इसमें। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है हमें और इसे इस तरह से एकदम स्लोली स्लोली इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे, जो सारे मसाले हमारे इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और गैस का फ्लेम अब थोड़ा सा हम मीडियम कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमें मीडियम करना है। तो देखिए एक भुर्जी हमारी बॉम्बे स्ट्रीट स्टाइल एक भुर्जी बन गई है। बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड और इसे बनाने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगता और किसी के साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे बॉम्बे स्ट्रीट वाले तो इसे पाव के साथ सर्व करते हैं, तो आप पाव के साथ खाइए या रोटी के साथ खाइए या ऐसे ही इसका मजा लीजिए। तो मैं गैस को कर दूंगी ऑफ और इसमें मैं डाल दूंगी ये कोरिएंडर लीव्स। वाओ, देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारी बॉम्बे स्ट्रीट स्टाइल एग भुर्जी बन गई है और एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनी है। मैं आपको दिखाती हूँ इसे सर्व करके किस तरह से सर्व करना है। तो देखिए इस तरह से मैं इसे सर्व कर रही हूँ। देखिए इस तरह से मैं सर्व कर रही हूँ, आप देख कर ही बता सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। तो एक बार ट्राई करना तो बनता है, इसे ट्राई कीजिए और रेसिपी मेरी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।